गूगल से विदाउट कॉपीराइट फ्री इमेज कैसे डाउनलोड करें। अगर आप पहले भी गूगल से फ्री विदाउट कॉपीराइट इमेज डाउनलोड करते थे तो आपको पता होगा कि हमारे सामने वहाँ पे पांच ऑप्शन आया करते थे जो कि कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। तो हमें विदाउट कॉपीराइट इमेज डाउनलोड करने के लेबल फॉर री यूज विद मॉडिफिकेशन ऑप्शन पर सिलेक्ट कर कोई इमेज सर्च करते थे तो हमारे सामने वहाँ पे विदाउट कॉपीराइट फ्री इमेज आ जाती थी जिन्हें हम अपनी वीडियो में यूज कर लेते थे और हमारी वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। लेकिन अब गूगल ने इन ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया, अब वहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आफ्टर न्यू अपडेट के बाद आप गूगल से फ्री इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सर्च बार में कुछ भी टाइप कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पे फोटो टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज पर क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे ऊपर तरह थ्री डॉट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे ये डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे यूजेस राइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने वो सभी इमेज आएगी जो विदाउट कॉपीराइट फ्री इमेज होगी। इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी इमेज सर्च करेंगे तो आपके सामने वही इमेज आएगी जो विदाउट कॉपीराइट फ्री इमेज होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल सर्च कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल सर्च कर लिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने वही इमेज आई है जो विदाउट कॉपीराइट फ्री इमेज है। मैं इन्हें अपनी वीडियो में यूज, मेरी वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। आपको जो भी इमेज डाउनलोड करनी है सिंपल सा आपको उस इमेज पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आपको नीचे की तरफ नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जितनी भी इमेज डाउनलोड की होगी वो यहाँ पे शो होगी। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये इमेज हमारी गैलरी में आ चुकी है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे गैलरी ओपन कर लेता हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ये इमेज यहाँ पे आ चुकी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह से आप गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे बार बार ये सेटिंग ना करनी पड़े। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सेटिंग बता दूं जिससे आपको बार बार ये सेटिंग यहाँ पे करनी नहीं पड़ेगी। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नाम टाइप कर देना। तो यहाँ पे मैं गूगल ही रहने देता हूँ, बाकी यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप अपनी होम स्क्रीन पर आ जाए। तो आपकी होम स्क्रीन पर एक आइकन ऐड हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गूगल से इमेज चाहिए होगी तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करके कोई भी इमेज सर्च कर सकती हो। इस तरह से आफ्टर न्यू अपडेट के बाद आप गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकती हो।